आज मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिला कलेक्टर के माध्यम से एक ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित रहीं। ज्ञापन देने के दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि देश में बेरोजगारी और महंगाई लगातार बढ़ रही है। ऐसी परिस्थितियों में गैस की कीमत बढ़ने पर और भी मुसीबतें बढ़ गई हैं। साथ ही गरीब तबके के लोगों को गैस खरीदने की हिम्मत अब नहीं रह गई है। उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से घरेलू गैस की बड़ी कीमतों की वापसी लेने की बात कही है। लेकर के आए हैं जितनी भी हमारी महिलाएं हैं कांग्रेस की, वो पूरी तौर से भारतवर्ष की महिलाओं के मन की भावनाओं का हम प्रतिनिधित्व करते हुए यहाँ पर आए हैं। केवल मन की बात कहने से भर बात नहीं बनती है, बात वो होनी चाहिए कि जिससे कि सर्वसाधारण सर्वसामान्य जनता का हित हो सके। आज हम फिर से वो चूल्हा लेकर के आए हैं। इसके पहले महिला कांग्रेस ने शहर में ग्रामीण में चूल्हे में रोटी पका करके आप लोगों को भी खिलाई थी, और अब ये स्थिति बन गई है कि जैसा कि तविंदर जी ने कहा कि इस चूल्हे को हम वहाँ तक भिजवा रहे हैं कि हो सकता है मोदी जी की माता जी को इसकी आवश्यकता।